के बाहर खड़ी कारों से पलक झपटते ही बैटरी चुरा लेने वाले एक गिरोह का करावल नगर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के चार बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान सलमान, शहीद, जावेद और कपिल के तौर पर हुई है। पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह लंबे समय से रोनी करावल नगर और यमुना विहार में सक्रिय था। बैटरी चोरी करने के बाद इसे कवाड़ियों को बेचता था। आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच जारी है। पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अजीत कुमार सिंगला ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बैटरी चोर गिरोह एल्टो कार में घूम रहा है। इस पर थाना प्रभारी रवि कांत के नेतृत्व में एएसआई विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल सोनू धामा आदि की टीम गठित की गई। टीम ने सूचना के मुताबिक शिवविहार तिराहा के पास कार को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। यह देखकर कार में सवार बदमाश भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बदमाश को पुलिस ने धर दबोच लिया। इनके पास से देसी कट्टा और कार से दो चोरी की बैटरियां बरामद हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने करावल नगर थाना में एसीपी खजूरी खास और एसएचओ करावल नगर की लीडरशिप में दो बैटरी चोर को पकड़ा था। ये रात की चेकिंग के दौरान एक सेंट्रो गाड़ी को चेक किया गया था, उसमें से दो आदमी मिले थे जिनके पास बैटरी मिली थी। उनसे पूछताछ की गई तो बैटरी चोरी की पाई गई। फर्दर इंटरोगेशन में दो लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि रिसीवर है, उनसे भी कुछ तारें, एक कट्टा, दो राउंड देसी कट्टा मिला, दो राउंड मिले हैं और उनकी फर्दर इंटरोगेशन जारी है। ये लोग काफ़ी देर से बैटरी चोरी करते हैं और बेचते हैं वहाँ पे, उसको आगे सेकंड हैंड बैटरी के तौर पे बेच देते हैं। इनके नाम एक तो सलमान है जो कि मुस्ताबाद पे रहने वाला है, एक शाहिद है जो कि न्यू नंदनगर का रहने वाला है, न्यू नंदविहार नंदविहार का रहने वाला है, एक जावेद है जो रोहनी का रहने वाला है और एक तीसरा कपिल है जो कि मुस्ताबाद का रहने वाला है। तो बेसिकली इनका एमओ यही है, रात में निकलते हैं सेंट्रो गाड़ी अपने गए, बैटरी चोरी करनी है, पाँच सात चार दो चार बैटरी चोरी की जितनी मिल गई कर पाए, फिर इसको पास ये जो जावेद के पास डिस्पोजल कर देते थे, इसकी रोहिणी में कहीं शॉप है वहाँ से सेकंड हैंड के तौर पे बेच देता था। तो ये जावेद को आज ही पकड़ा है और इनको कल पकड़ा था, अभी आगे पूछताछ जारी है और बैटरी रिकवर होने की उम्मीद। इन दोनों की निशानदेही पर जावेद और कपिल को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। जावेद के पास से स्कूटी और चोरी की दो बैटरियां बरामद हुई हैं। आरोपियों के पकड़े जाने से पुलिस को राहत की सांस मिली है। गौरव रावत के साथ सोनाक्षी दुबे की रिपोर्ट, तेज निगाहें, दिल्ली।